बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो मैं अभी जा रहा हूँ जो अपनी ड्यूटी के ऊपर, तो छोटा सा व्लॉग मैं कब बनाता जाऊँ आपको दिखाता जाऊँ। आज दुबई का मौसम बहुत ही अबरूद है, बादल हुए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, पाँव मेरे को भी अभी तक शूज़ नहीं पहने तो हवा लग रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था, तो मैंने कहा थोड़ा वीडियो बना के आपको भी दिखाता जाऊँ। रेडी हो चुका हूँ, अभी बाहर जाऊँगा गाड़ी में, तो वहाँ से निकलते हैं, जाना है ऑफिस, वहाँ कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ आगे कहाँ जाना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वेकेशन पे तकरीबन 3 महीने की, 3 मंथ के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपको ब्लॉग बना बना के दिखाएंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं ड्यूटी पर जाने के लिए, मौसम थोड़ा अंगड़ाइयाँ ले रहा है, देखते हैं किस तरफ करवट बदलता है वो, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर निकलते हैं इधर से, नाश्ता भी करना है, नाश्ता करके फिर निकलते जाएंगे उधर से। तो आज का देखते हैं क्या क्या दिन की रूटीन है, वो सारी आज लोग हम लोग कैप्चर करेंगे और फिर इसको अपलोड इंशाल्लाह करेंगे, तो आप भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये हमारा रूम है, पीछे व्यू है पूरा, लोगों के कपड़े नजर आ रहे हैं आपको, तो ऐसी सूरत नज़र आती है यहाँ पर अक्सर, क्योंकि रूम में तकरीबन 6-7 से 8 लड़के भी हमारे में होते हैं, और यहाँ पर हाल है माशाल्लाह वो पास एयरपोर्ट है, तो हर 2 तकरीबन 5-6 सेकंड के बाद एक जहाज निकलता है, जिससे आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा। तो फिर निकलते हैं अभी, जी मेरे नाइकी के जूते, शूज सॉरी नाइकी ओरिजिनल है ये वाले, तो ये इस पहले बैंक में, फिर उसके बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद ऑफिस, फिर उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ आपको आज एक्सप्लोर करना है। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट के पास, तो यहाँ कर पर करेंगे अपना नाश्ता, उसके बाद फिर चलते हैं। पराठा आ गया है अभी, इसके कुछ सालन वगैरह आएगा, फिर शुरू करते हैं अपने थोड़े बड़ा मज़ा। जी तो दोस्तों दुबई के अंदर ऑफिसर्स कैसे होते हैं, उनको ऑफिस स्पेस कैसे मिलती है, आज मैं एक बिल्डिंग में आया हूँ दुबई के अंदर, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑफिसर्स कैसे होते हैं, ऑफिस यानी ऑफिस स्पेस मिलती है, उसमें आपका फर्नीचर वगैरह आपने खुद ही डालना होता है। तो सबसे पहले हम एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरकॉम मिलेगा, जो आप सिक्योरिटी वाले से कोई मसला है तो बात कर सकते हैं। उसके बाद ये वाशरूम है फर्स्ट पे, उसके बाद अंदर चले जाएँ तो हमें ये स्पेस मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है इस साइड पर, ये वाली ये इसके साथ एक कैबिनेट अलमारी है जिसमें आप चीज़ें आप वगैरह रख सकते हैं कुछ भी। ये देखें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड वगैरह कंट्रोल, उसके बाद ये एक ये एरिया है, एक ये पोर्शन इनको दिया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा यानी स्पेस मिल जाती है आपको ऑफिस के लिए। ये बालकोनी है बाहर की साइड पे, आप बालकोनी देख बाहर का व्यू नज़र आता है यहाँ से पूरा रोड, और अगर आप इस तरफ आए तो इसमें एक और कैबिनेट मिल जाता है आपको, ये भी पूरा वैसे ही है, इसके अंदर भी आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपना यानी सेटअप कर सकते हैं। एक कैबिनेट वो है अलमारी, एक आपको इधर मिल जाएगी, दो हो गए, एक वॉशरूम हमने उधर देखा था, एक ये किचन मिल जाता है, ओपन किचन है। अब यहाँ पर अपना कोई चाय वाय सिस्टम ऐसा करना चाहें तो ये देखें, ये आपको पूरा इधर मिल जाएगा, साथ एक वॉशरूम इधर दिया हुआ, ये देख ये मेन वॉशरूम है, ये डोर बाहर के लिए एक और दिया हुआ। ऑफिस में सामान देना था वो दे दिया है, ऑफिस आपको दिखाया भी है, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था ऑफिस का नीचे, तो ऑफिस ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और ऊपर का ऑफिस थोड़ा सा मैंने आपको लुक दिखाया है, वहाँ पर अब फर्नीचर रहेगा, टेबल वगैरह और जो भी आपको पता है लैपटॉप वगैरह वो रखे जाएंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ वापस, मैंने निकला हूँ वापस, अभी चिप पकड़ेंगे मेट्रो पकड़ के फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये है दुबई का मेट्रो स्टेशन, आप देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत।
मेट्रो स्टेशन मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मेट्रो अभी 5-6 मिनट के बाद आ जाएगी, क्योंकि अभी मेरे आगे ही निकली थी, मैं पकड़ नहीं पाया, तो अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा, 4-5 मिनट उसके बाद आ जाएगी, तो उसके बाद हम चलेंगे आगे स्टेशन पर। तो राष्ट्रीय स्टेशन पर उतरेंगे, राष्ट्रीय के बाद फिर आगे देखते हैं किस पे जाना। तो ये देख लें, इनका मेट्रो स्टेशन आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल क्लीन, कोई एक हल्का सा भी वो नज़र नहीं आता, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5-स्टार होटल में खड़े हैं, लेकिन खैर बहुत ही खूबसूरत है। पीछे का वो सारा आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ, पीछे लोग कुछ लोग वेटिंग में हैं। ये तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ ड्रैगन मॉल में, थोड़ा सा मुझे काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली हैं। ये देखें, तो ये ड्रैगन मॉल जिसमें चाइना की बहुत ज़्यादा सरमाया करी हुई है, तो यहाँ पर बहुत से विजिटर आते हैं, जो भी विजिटर है यहाँ पर बहुत दूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत सस्ती मिल जाती हैं, चलिए जो शॉपिंग करने के लिए, चाहे जो लोग घरों को वापस जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं शॉपिंग के। तो मैं भी आया हूँ, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं यहाँ पर, भी कुछ लेने का और रहता है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूँगा, फिर आगे चला जाऊँगा। देखते हैं यहाँ पर, तो गाड़ी देख के फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। ड्रैगन मॉल चेक करें, पीछे ये उसकी पार्किंग है सारी,